डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति बड़ी है, चर्चाएं जरूरी है, बयान जरूरी है, पर बयानों के बीच में गंभीरता जरूरी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे नेता चुनाव लड़ने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, रैलियां करने जाते हैं, जनसभा करने जाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं। वही जनता जो आपको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाती भी है, उतारती भी है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं और क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति जरूरी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूरी है, पर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में ऐसे शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए जो उल्टा हमको नुकसानदेह हो जाए और उसको लेकर जनता उल्टा ही हमको कटाक्ष करने लगे। भारत संस्कृति का देश है, विभिन्नताओं का देश है, व्यवस्थाओं का देश है, नैतिकता का देश है, संस्कारों का देश है, और यह लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न लोग हैं, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न संस्कृति हैं, विभिन्न भाषा है और विभिन्न संस्कार हैं। पर उसके बावजूद जब हम देश की बात करते हैं तो हमारा रोम रोम केवल एक ही बार बोलता है, भारत माता की जय। ये बात जब हम झंडा लहरवाते हैं 15 अगस्त पे बोलते हैं, 26 जनवरी पे बोलते हैं, तो एक ही शब्द बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये बोलने के लिए हमको कोई कहता नहीं है बल्कि स्वतः ही हमारे जुबान से निकल जाता है क्योंकि हम देश में रहते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। हालांकि भारत माता की जय को लेकर पहले भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई, पर यहाँ पर एक चर्चा बड़ी हो गई है और चर्चा हुई है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा की थी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बड़ी चर्चाओं में आए थे और कहा जा रहा था राहुल गांधी अब यहाँ पर एक ऐसी नीति को लेकर आ रहे हैं जो अवश्य उनकी पार्टी को ज्वलन करेगी और आगामी 24 चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी। बस चुनौती बड़ी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, जनता फैसला करती है। पर राहुल गांधी प्रचार करते करते राजस्थान में कुछ ऐसी बात भी बोले हैं जिनका सरोकार उन्होंने व्याख्या करने चाहिए पर वो व्याख्या यहाँ पर जरूरी नहीं थी और व्याख्या के दौरान जो शब्दों का उपयोग किया वो जरूरी नहीं था। राहुल गांधी ने राजस्थान में प्रचार के दौरान कहा ये भारत माता कौन है, ये भारत माता कौन है, और ये शब्द कहते ही राहुल गांधी ट्रोल भी होने लगे। लोगों ने पूछा ये कौन सी बात हुई कि आप भारत में के भारत माता पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत माता का केवल एक शब्द नहीं है बल्कि जुड़ाव है, एहसास है हर नागरिक के साथ, हर देशभक्त के साथ और भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ जो भारत का नागरिक है, जो भारतीय है, जो हिंदुस्तानी है। जब भी बड़ा त्यौहार होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है, तो सबके जुबान से शब्द जरूर निकलता है। पर राहुल गांधी ने यह पूछ लिया है ये भारत माता कौन है और उन्होंने ये भी कहा कि आधी आबादी दलितों की है, पिछड़े वर्ग की है, तो ये भारत माता है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय दो देश बन चुके हैं, दो हिंदुस्तान बन चुके हैं, एक अमीरों वाला हिंदुस्तान और एक गरीबों वाला हिंदुस्तान। पर चूंकि उन्होंने बयान दिया है, इसी बयान पर चर्चा भी जरूरी हो गई है क्योंकि इस समय में आप अपनी बात करिए, अपने लक्ष्य की बात करिए, अपने बालों की बात करिए, पर इस तरह की बयानबाजी से हासिल क्या होने वाला है और इस तरह की बयानबाजी करने के पीछे राहुल गांधी का क्या मंसूबा है। फिलहाल राहुल गांधी का बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है, कौन है ये भारत माता, मतलब ये लोग कौन है, कितनी आबादी किसकी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े लोग कितने, गरीब कितने, अमीर कितने। अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सही,
अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो चुनाव जरूरी है, पर राहुल के बयान भी जरूरी हैं। बयान चर्चाओं को लेकर हो, बयान वादों को लेकर हो, बयान व्यवस्थाओं को लेकर हो, बयान मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को लेकर हो तो ठीक रहता है, पर ये बयान कि भारत माता कौन है, ये अलग तरह का बयान है। ये बयान के माध्यम से मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे। वो भारत माता पर प्रश्न उठा रहे थे, या भारत माता शब्द की तौहीन कर रहे थे, या भारत माता को लेकर एक अलग तरह की नीति बता रहे थे। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करूं। भारतीय जनता पार्टी शमसी आजाद अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात देंगे, प्रवक्ता रालोद से आशीष तिवारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से रमन सिंह आजाद अपनी बात रखेंगे, और कांग्रेस से उनके फायरबैंड प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर अपनी राय देंगे, क्योंकि आज जवाब इन्हीं को देना है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो मैं प्रवक्ता कांग्रेस से लूंगा, समझे भाई आपकी बात भी सुनूंगा। जयप्रकाश भाई, क्या समझे उस बयान का? एक नई व्याख्या, नई नीति, आरोप, व्यवस्था जरूरी, या राजनीति, या वास्तव में एक ऐसी शब्दावली जिससे लोगों के हृदय को तकलीफ दी है? गौरव जी, इस राहुल गांधी जी के जो भी राजस्थान दिया गया भाषण है उस पे अगर ये डिबेट का विषय बना है और उन लोगों को तकलीफ है और वो एक खास विचारधारा के नहीं है क्या? नहीं, हमें नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं है कि वो खास विचारधारा के लोग जो 2014 के बाद आज़ाद हुए हैं। अच्छा। तो ये है कि उनका अभी शैशव काल ही है, चूँकि अभी तो 10 साल भी नहीं हुआ। अच्छा। तो अब उनके इस शैशव बुद्ध पे तरस ही आता है। अच्छा। चूँकि भारत माता पे तो नेहरू जी की भी पूरी मतलब स्पीच है, उनकी बुक में भी है। और ये है कि उस पूरे लेक्चर को अगर सुनिए तो राहुल जी ने ये कहा है कि हम सब भारत, चूँकि बाबा साहब ने पहला जो भारतीय संविधान में वाक्य लिखा हम भारत के लोग, हम भारत के वीआईपी लोग, या हम भारत के हिंदू नहीं लिखा। हाँ, तो उन्होंने ये कहना चाहा है राहुल जी ने जी। कि भारत माता की जय तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम जो संतानें हैं भारत माता की, क्या वो सभी लोगों को देखा जाए तो बुनियादी सुविधाएं हैं? मतलब ये है कि तीन जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है या सरकारी जो आंकड़े हैं, अच्छा। आज के डेट में 50% आधी आबादी जो हमारी है उसके पास 3.4% संपत्ति है। अच्छा। तो जाहिर है कि विषमता की खाई इतनी ज्यादा है, और खुद ये इनकी सरकार पीठ थपथपाती है कि 80 करोड़ को रोटी मुहैया नहीं है, जिसको हरित क्रांति के बाद बड़ी मेहनत से हमारे राजनीतिक नेताओं ने, किसान भाइयों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने मतलब उस कहिए कि भूखमरी की स्थिति से बाहर ला दिया था, फिर से यही मानते हैं। तो सवाल ये नहीं है, वो तो ये कह रहे थे कि क्या आज की जो खाई है उसमें भारत माता की कुछ संतानें बड़ी दुलारी हो गई हैं। अच्छा। और कुछ संतानें सौतेली हो गई हैं। अच्छा। तो आप हमें ये बता दीजिए कि जो दलित है, पिछड़ा है, आधी आबादी है, अकलियत है, उनको आप किस मुंह से कहेंगे कि नहीं वो भी भारत माता की उतनी ही प्यारी संतान है? अच्छा। उनको बुनियादी चीजें मतलब और उनको जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, निषेध, नियंत्रण, तिरस्कार, अपमान की हालात है, वो बराबर है, कौन मानेगा इसे? तो सवाल ये आज से नहीं है, ये पहले भी था। अगर एकलव्य भारत माता या महाभारत के त्रेता युग पे गर्व करता तो किस बिना पे करता? अच्छा। कि द्रोणाचार्य के विद्यालय बंद थे। अच्छा। तो अब जब 27 रुपया प्रतिदिन की आमदनी पे हमारा किसान गुजारा कर रहा है और हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से निजीकरण कर दिया गया है, और यहाँ की प्राथमिक शिक्षा की दशा आप जान रहे हैं, तो 27 रुपया की आमदनी वाला किस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? कौन सा उसका लड़का स्किल्ड होगा? वो कहाँ से विदेशी पैकेज पे जाएगा? तो राहुल जी तो यही कह रहे थे कि हमें संख्या ज्ञात होनी चाहिए, चूंकि जिसकी अगर संख्या ही प्रमाणिक रूप से हमें नहीं मालूम होगी तो फिर ऐसी कोई पॉलिसी न तो उनकी। देखिए, बाबा साहब बार बार कहते थे आरक्षण के संदर्भ में जब उनसे पूछा जाता था, तो आरक्षण गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। अगर इस देश में सहभागिता नहीं होगी, जिसकी जितनी संख्या, अगर उसको सहभागिता नहीं होगी तो ये देश ही नहीं बचेगा। भारत गुलाम इसलिए नहीं हुआ, दुनिया भर में बहुत हमलावर आए, चंगेज खान, नेपोलियन, हिटलर, सब लोग दूसरे देशों पर हमला किए। अच्छा। देश वही गुलाम हुआ जिस देश में सबकी सहभागिता नहीं थी। एक पृथ्वीराज मर गए,
उसके बाद रिवोल्ट नहीं हुआ। रिवोल्ट इसलिए नहीं हुआ कि कौन निप होए हमें कहानी छेड़छाड़ या भोप करानी, चूंकि उनको तो टैक्स देना था। जो आधी आबादी पिछड़ा दलित, इनको सत्ता में सहभागिता नहीं थी। जहां सहभागिता थी, चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, या यहां महाराष्ट्र में जब शिवाजी महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन जो सोशल जस्टिस का था, सबको सहभागिता दे दिए, तो संभाजी काटे गए औरंगजेब द्वारा, लेकिन वहां गुरिल्ला वार शुरू हो गया। तो ये राहुल जी का जो काम है, भारत माता, सुनिए, भारत माता को अगर मजबूत होना है, अगर भारत माता को निश्चित रूप से भविष्य में किसी आपात स्थिति से भी बचना है, तो ये बहुत जरूरी है कि जाति जनगणना हो जाए। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इस देश में देखिए, इस देश में भगवान राम के पुरखे थे महाराजा रघु, पूरा भारत जीत लिए थे। सुनिए, राम वंश नहीं कहलाता, रघु वंश किस लिए कहलाता, सुन लीजिए। रघु जो है पूरी सेना लेके कुबेर पे चढ़ाई कर दी, अपने जनता से टैक्स नहीं लिए। तो अगर इंदिरा जी के रक्त जिसके धमनियों में बह रहे हो, अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करने वाले राहुल जी नहीं कहेंगे कि नहीं गरीबों के लिए हम जो है निश्चित रूप से सौतेले माम की संतान बन के नहीं रहेंगे, इसमें क्या गलत है? मैं अभी रुकना चाहूंगा और यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि केनरा बैंक में आग लग गई है। बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बड़ी खबर थी, इसे उठाना इसको जरूरी था, हमारी जिम्मेदारी है, हम जैसे खबर नबीसों की। यहाँ पर कर्मचारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। बड़ी खबर यहाँ राजधानी लखनऊ से है, हजरतगंज स्थित कोमरा बैंक में भीषण आग लगी हुई है और वहाँ पर अभी भी अग्निशमन विभाग का रेस्क्यू चल रहा है। कर्मचारी फिलहाल वहाँ पर कूद कर अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं। बड़ी खबर यहां पर राजधानी लखनऊ से है, हजरतगंज थाना क्षेत्र में नोवल्टी सिनेमा के पीछे स्थित है केनरा बैंक, जहां पर आग लगी है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, केनरा बैंक में आग लगी है और यहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं कूद कूद कर, और अग्निशमन विभाग की तमाम गाड़ियां वहां मौजूद है। बड़ी खबर यहां पर राजधानी लखनऊ से, केनरा बैंक में आग लगी है। और इससे पहले भी आग लगी थी, हजरतगंज में भी आग लगी थी, इसके अलावा तमाम तरह की घटनाएं होती रहती है, रिहायशी इलाकों में आग लगती रहती है, इसके अलावा बादशाह नगर में भी आग लगी थी, इसके अलावा तमाम कोचिंग सेंटरों में आग लगी हुई थी। पर अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको इनसे अनुभव लेना पड़ेगा, अनुभव के हिसाब से हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आग लग रही है, कारण क्या है, और अग्निशमन विभाग वहाँ पहुँचा है और कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, और क्यों वहाँ पर एक एग्जिट गेट नहीं बनाया गया है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया गया है कि कर्मचारियों को कूद कर अपनी जान बचानी पड़ रही है, बड़ा प्रश्न है फायर विभाग पर, ये बड़ा प्रश्न है। इसके पहले लेवेना में भी हमने देखा था कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बिना इमरजेंसी एग्जिट के तमाम व्यावसायिक संस्थान राजधानी लखनऊ में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र, खास क्षेत्र, यानी क्योंकि लखनऊ में बैठती है और विधानसभा भी है, और जानकारी के मुताबिक अभी भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं। बड़ी खबर यहां राजधानी लखनऊ से। इससे पहले भी चार बाग के दो होटलों में आग लगी थी, हालांकि बाद में सील कर दिया गया था, पर बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि बिना एग्जिट, बिना इमरजेंसी एग्जिट के एनओसी कैसे मिल जाती है, बड़ा प्रश्न यहां पर अग्निशमन विभाग पर भी। और हमारे साथ कलीम जुड़े हुए हैं, जानकारी ले लूं, हमारे साथ मदद कलीम जुड़े हुए हैं। कलीम, क्या स्थिति है, कितने कर्मचारी उस समय बैंक में मौजूद थे और कितने लोग यहां पर कूद कर अपनी जान बचाए हैं, कितने लोग वहां फंसे हुए हैं? कलीम, देखिए गौरव जी, जिस तरीके से तो केनरा बैंक में आग लगी थी, आग लगने का कारण तो नहीं फिलहाल स्पष्ट हो पाया, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जब आग लगी, आग का धुआं जब लोगों के बीच पहुंचा तो लगभग उसमें उसके अंदर 15 से 20 कर्मचारी मौजूद थे जो कि शीशा तोड़ते हुए पिछले रास्ते से बाहर निकले हैं। फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और सभी को रेस्क्यू करके निकाला गया है। फिलहाल जो आग की स्थिति की बात की जाए, आग पर फिलहाल काबू पा लिया जा चुका है और इसके साथ ही जो फायर विभाग की टीम है वो भी लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है और आग लगने का कारण फिलहाल तलाश रही है। लेकिन जिस तरीके से केनरा बैंक के अंदर जिस तरह से आग लगी थी, आग लगने के दौरान जो बचाव के कार थे पूरी तरीके से आगे के बंद हो चुके थे, तभी पीछे जो कांच तोड़ते हुए निकला गया है और जो वैक्यूम से पूरी तरीके से कुछ लोगों को निकाला गया। इसके साथ ही जो वहां पर जो फायर विभाग की टीम पहुंची थी,
रेस्क्यू करने के लिए उन लोगों ने अंदर पहुंच करके जैसे लोगों को निकाला है, तो एक तरीके से कहा जाए कि फायर विभाग की सराहना भी करते हुए लोगों की जो जनहानि होने से बचाई है। फिलहाल फायर विभाग का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी कि आखिर आग लगने के कारण क्या। बिल्कुल, अग्निशमन विभाग तमाम मौकों पर यहाँ पर काम करता है। उससे पहले भी हमने देखा है कि पिछले बस की तुलना में 40% मामले आके कम हुए हैं दिवाली के दौरान। ठीक है, आपका इस जुड़ने के धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा। तो डिबेट में दोबारा हम पहुंचते हैं और यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जी अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने तमाम तरह की बातें वहां रखी थी और कहा था कि यहाँ पर नेहरू जी के समय से, इंदिरा गांधी के समय से तमाम तरह की चीजें उन्होंने बताई। पर मेरा एक बड़ा सवाल इनसे है, जयप्रकाश पांडे जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है, जयप्रकाश भाई मेरा आपसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आपने तमाम बातें कही, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं भारत एक खोज भी जानता हूँ, संविधान को भी समझता हूँ और चीज़ें मैं जानता हूँ, पर यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, दलित पिछड़ों की बात करने के लिए, गरीबी की चर्चा करने के लिए, उस बात को शब्द को कहाँ तक कहना सही है कि भारत माता कौन है? क्योंकि भारत माता एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा पर्याय है जिसको लेकर हर देशभक्त, हर देश का हर नागरिक अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो क्या है कांग्रेस तरफ से कोई और शब्द आने वाला है जिसको लेकर आप जब झंडा रोहण करेंगे तो एक अलग शब्द बोलेंगे क्या? क्या भारत की जय बोलेंगे या त्रेता युग की भारत की जय बोलेंगे, ये किसकी जय बोलवाएंगे थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि यहाँ मुझे जब भाई प्लीज, यहाँ मुझे राहुल गांधी की विवेचना से दिक्कत नहीं है, जो व्याख्या उन्होंने दी है, जो बात उन्होंने कही है, दो भारत है, अमीरों के बारे में मानता हूँ, आपकी बात बहुत कुछ हद तक सही है, गलत नहीं बोल रहा है आप, पर यहाँ पर जो शब्दावली का उपयोग किया है, यहाँ पर जो बताया है कि भारत माता कौन है, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा निराश करने वाला है। और यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस जवाब आपको देना है, फिर मैं समझ अलर्ट कर लूंगा। जी देखिए, ये सवाल जो है मैं बता तो रहा था कि 2014 के बाद एक खास नरेटिव गढ़ा जाता है। वास्तव में यही ये सवाल सेम नेहरू जी ने सदन में भी और हर जगह वो बोलते थे कि भारत माता कौन है, केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, नदी है, पहाड़ है और वृक्ष है, इसके अलावा इसके सभी जीव जंतु और यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं। तो भारत माता कौन है ये सवाल जब नेहरू जी पूछते थे तब इनके इस विचारधारा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी और इनके गोलवरकर जी भी जिंदा थे। अच्छा। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, चूंकि ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। अच्छा। कि जाहिर है कि जब ये कर्नाटक का चुनाव था तो वो बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात किया और खुद प्रधानमंत्री जी जाके उसे बजरंग बली में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वही हाल है कि ये चूंकि जो चुनाव हो रहे हैं, चूंकि चुनावी सभा के कारण ही ये कट पेस्ट किया गया है। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि इनकी जमीन खिसक गई। नहीं सुनिए, आप तो पूरा सुनिए, आप पूरा दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं अभी रास्ते में ही देख रहा था, आर भारत चैनल है, तमाम गोदी मीडिया के, बस उतना दिखाया जा रहा है, भारत माता कौन कट गया। अरे उसके बाद आपने तो पूरा में बोला भी नहीं, मैंने आपको कहा ही नहीं कभी, आप गोदी। हाँ। आप तो मीडिया के सच्चे पत्रकारिता धर्म के पूछ रहा हूं, अब किसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तो भारत माता कौन, और दूसरा चीज और बता दें, भारत का जो धर्म है या भारत की जो संस्कृति है वो रेशनल सोच की है। अच्छा। भारत में ऋग्वेद में 33 देवताओं का जिक्र है और उसी में एक ऋषि कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। अच्छा। कौन देवता है? अच्छा। किसकी किसको हम हवि दें? अच्छा। तो यहाँ सांख्य दर्शन है जो ईश्वर को नकार देता है। अच्छा। यहाँ न्याय मतलब जस्टिस नहीं, न्याय मतलब लॉजिकल धर्म है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक में ये। हाँ। तो भारत की जो कहिए कि चिंतन पद्धति है उसमें तर्क को, निश्चित रूप से विमर्श को स्थान मिलता है। हाँ, ये अंधभक्त जो लोग आ गए हैं इनको चूंकि इस पे सुनना ही नहीं है। चलिए, और ये भारत माता कौन है ये कौन नहीं कहेगा, कहना चाहिए कि भारत माता में कौन है भाई, कौन आता है? अडानी अंबानी की भारत माता है। चलिए ठीक है, पूछता हूँ जय किसकी बोलना है फिर? जय भारत माता की बोलना है, लेकिन एकलव्य भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, जय तो बोलना, उसमें गरीब आधी आबादी, अकलियत, दलित पिछड़ा भी शामिल होगा। केवल मनुवादी सोच के खास पुरुषवादी लोगों की ही भारत माता बपौती नहीं है। अगर वही भारत माता होगी तो भारत के गुलामी की फिर से प्रस्तावना लिखी जा रही। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही समझिए यार, जय तो भारत माता की बोलना है, पर पूछना भी है भारत माता है कौन। आपने पूरी बात सुनी, राहुल गांधी का बयान भी सुना, और यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस जयप्रकाश पांडे, अच्छे प्रवक्ता, अनुभवी प्रवक्ता, उन्होंने यहाँ पर अपनी राय भी रखी। अब जवाब आपको देना है क्योंकि हाय अल्लाह आप ही कर रहे हैं। जी नमस्कार, आपका धन्यवाद गौरव जी। जी, और पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम। जी धन्यवाद आपका। हाँ। देखिए, दो बात, दो लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। जी, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? जी, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? जी, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। क्या बात है, क्या बात। राहुल गांधी जी का बयान देखिए, हमेशा से ऐसा रहा है कि जैसे उनके चेहरे पे आप देखते होंगे ना, एक डिप्रेशन, एक हताशा, एक निराशा के ऑल फॉल बयानबाजी करना, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा।
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक नेता देखा होगा आपने आजकल, वो अपने भेष बदल कर अलग अलग तरीके के सवाल, कभी सनातन धर्म पर सवाल, कभी मंदिरों पर सवाल, कभी माता लक्ष्मी पे सवाल, कभी राम जी पर सवाल, इस तरीके के सवाल उठाना। हम कह रहे हैं कि इन लोगों को इस तरीके की बातें करने का क्या, ये कहते हैं कि देश में महंगाई बहुत है तो महंगाई को मुद्दा बनाना चाहिए, ये कहते हैं देश में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहिए, ये कहते हैं कि अपराध बहुत है तो अपराध को मुद्दा बनाना चाहिए। इनके पास मुद्दा जब रहता नहीं तो इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान दे के सिर्फ और सिर्फ इनको सस्ती लोकप्रियता पाना रहता है। हैरत की बात है कि राहुल गांधी जैसे लोग जो है ये कह रहे हैं कि भारत माता कौन है, इनको बताना चाहिए। अरे माता के बारे में बताना चाहिए कि जिस पर जो है हिंदुस्तान का हर देशवासी जो है नमन करता है, जिस जमीन को चूमता है, जिस जमीन से उसको खाने को मिलता है, जिस जमीन उसको परवरिश करती है, वो परिवार तो उसको मालूम है। सुन लीजिए समझे, पूरी बात पूरी है, बोलिए। आप शायद भाई साहब हमारी बातों से वाकिफ नहीं है। नहीं वाकिफ है, समझ गए, बोलिए। बात हमारी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बोल लीजिएगा। आपको पूरा मौका दिया गया, आपको दो दो बार बोलने को मौका दिया गया, हम लोग धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि हम जी बोलिए फौरन कि आप सत्ता में हैं और घमंड में आप बोलने नहीं देते, आप फलाना ढिकाना, इसलिए मैं बहुत नम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि आप सुने। और तो ये अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये बड़ी हैरत की बात नहीं, क्योंकि इस तरीके का सवाल जो है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा के लोग अक्सर उठाया करते हैं। इसी पर दो लाइनें और सुन लीजिए कि भारत माता क्या है ये तो उनके लाल बताएंगे, भारत माता क्या है ये तो उनके लाल बताएंगे, और बाहर से जो आए हैं वो केवल प्रश्न उठाएंगे। क्या बात, इन दो शब्दों में आप समझ लीजिए कि पूरे डिबेट का आज का सार है। गौरव जी की भारत भारत आपको आदाब बोलने की इजाजत नहीं, आप प्रणाम कहें, चले ठीक, और आप कह रहे हैं बाहर से आए हैं, कौन बाहर से आया है? नेहरू बाहर से आए थे, इंदिरा जी बाहर की थी। ये क्यों शायरी ऐसी यूज करते हैं? अगर भाजपा लिख के भी है तो आपने बोल लिया, लेकिन आप किसको बाहरी बताते हैं भाई? कौन बाहरी है इस देश में? बाहरी कौन है? कुछ शायरी पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप किसको बाहरी कर रहे हैं? कौन बाहरी है इसमें? देखिए देश 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 प्रेमी जो होते हैं ना, अरे आपको आपको देशभक्ति की हमें सर्टिफिकेट चाहिए उस पार्टी से जो राष्ट्रध्वज नहीं फहराती है, जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रही थी, जो कंधार आतंकवादियों को विमान से उड़न खटोलवा से लेके जा रही थी, जो पाकिस्तान के टुकड़े करके चीर के इंदिरा गांधी को बाहरी हो गई, जैसी हो गई, शायरी बैठ के सुना रहे और लोग भी। अरे शायरी सुनानी है तो अच्छी सुनाओ, किसी को राष्ट्रभक्त या किसी को बाहरी मत बनाओ। ठीक है जब भाई, आप शांत रहिएगा, समझी पूरी बात आ जाएगी, फिर मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, जवाब आपको लेना है, बोलिए समझी बात पूरी करिए। बात इन्होंने बीच से काट दी, बात को पूरा भी नहीं उन्हें दिया। आज थोड़ा मैं मूड में था, क्योंकि पहली बार स्काइप से आपके चैनल के माध्यम से बैठा हूं दूर से, तो थोड़ा सा बात सुनने में और बात समझने में भी हमको थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, इसलिए मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं जो आपने सवाल किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा वो हमको समझ में भी नहीं आया, क्या कहा क्या नहीं कहा। तो देश देश पर सवाल उठाने वाले आज देश के भारत माता पर भी सवाल उठाने लगे। 200 ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें सोनिया गांधी जी ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए, राहुल गांधी की रैली में भी भारत माता की जय के नारे लगे। आज ऐसा क्या हो गया है कि 2024 का चुनाव और ये जो 5 स्टेटों का चुनाव जो हो रहा है, तो इसमें इनको सवाल उठाने की क्या जरूरत पड़ गई कि भारत माता कौन है? Who is mother of India? अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है। इससे पता चलता है कि ऐसे लोग जिनका जो है पूरी तरीके से मानसिक संतुलन जिस तरीके से कहा जाए कि बिगड़ जाए गया है, ये लगता है कि हमको जो मध्य प्रदेश में जो सुन लीजिए आप प्रतिपक्ष के नेता को कहेंगे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं आप किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया? अरे यार पहले अपने प्रधान सेवक को देखो, उनका मानसिक संतुलन कितना बढ़िया है। सुन लीजिए आराम से सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पूरा मौका गौरव भाई, आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे किसी नेता को मानसिक संतुलन का मौका नहीं दिया। चलिए ठीक है, बोलिए समझी पूरी बोलिए, मेरे सवाल भी समझी आपसे रहेगा, बोलिए सवाल आप करिए भाई। आप भाई हम तो बैठे हैं, हमारे लिए तो 5 आदमी सवाल करने के लिए बैठे हुए, सपा वाले भी सवाल कर रहे हैं, बसपा वाले भी, कांग्रेस भी। कर लीजिए सवाल, कर लीजिए। मैं सवाल पूछने वाला ही मीडिया हूँ, चले ठीक है। समझी भाई सवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपने कहा कि हताशा निराशा नजर आ रही है, आपको लगता है हताशा निराशा हिमाचल प्रदेश में भी गई थी, कर्नाटक में भी गई थी, वहाँ आपको नुकसान कर दिया है, तो अगर ये हताशा निराशा जैसा ना हो जहाँ पर अभी बोलना है वहाँ भी नुकसान कर दें आपको, ये नया इतिहास बन जाए वहां पर?
नहीं, ये तो देखिए वक्त बताएगा, और ऐसा नहीं है कि कर्नाटका और हिमाचल की बात हो जिससे जो पूरा देश इन्होंने जीत लिया हो। अच्छा, 2022 में भी इस तरीके का बयान उत्तर प्रदेश में भी दोनों भाई बहनों ने दिया था। अच्छा अच्छा, सारे लोग जो है कांग्रेस ही हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, और ये है वो है, फलाना ढिकाना, आलू इधर से डालो, सोना उधर से निकले, उस तरीके का बयान मोदी का बयान है भाई, पढ़ लिख के आया करो, आता रहता है। आलू बयान किसका है? आलू का बयान किसका है? आप अपने मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। आलू डालिए सोना निकलेगा, मोदी जी का बयान था, राहुल जी पोस्ट कर रहे। आप प्रवक्ता है ना, आप प्रवक्ता एथराइज है, इतना भी नहीं मालूम है? अपने मोदी जी का ही मजाक उड़ा रहे। जब का भाई, प्लीज प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, मौका आपको दिया, आपको बोलने नहीं दे रहा। सत्ता पसंद सुन लीजिए, आपको मौका पूरा मिलेगा। अरे भाई मोदी जी का बयान है, सर्च कर लो। चलिए भैया, मोदी जी का बयान है, उसी को आप तो आप मोदी जी को कह रहे फालतू बयान देते हैं। हम आपको बहुत बधाई देते हैं, ये पहला प्रवक्ता ईमानदार आदमी मिला है जो अपने ही नेता को कह रहा है कि आलू सोना के बयान फालतू है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पहला दिलेर प्रवक्ता मिला है जो मोदी जी को फालतू कर रहा। समय का मैं, समय का मैं, बोलिए बोलिए, ठीक ठीक बोले समझी भाई। तो इस तरीके के बयानात जो है चुनाव में, प्रियंका जी भी आई थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपराधी है यहाँ पर बहुत है, फलाना ढिकाना, कॉल हाउस पे करोड़ों रुपया खर्चा किया गया कि अब दीदी उत्तर प्रदेश में रहेंगी। लेकिन दीदी के आने से और भाइयों के आने से दोनों दोनों लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी करना था, इस तरीके से प्रोपेगेंडा करना था, ड्रामा करना था, रैलियां करनी थी, सब कुछ किया। मोबाइल फोन बांट देंगे, स्कूटी दे देंगे, 20,000 दे देंगे, ये वो सब कुछ किया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ की जनता ने जिस तरीके से उनको किनारा कशी की, उसके बाद से दोबारा प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत भी नहीं की। और यही कमोबेश हाल आप देखेंगे जो आने वाले 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं, वहां पर भी यही हाल होगी। ये जो आडंबर दिख रहा है, ये जो आपको भीड़ दिख रही है, तो भीड़ जो अक्सर होती है वो तमाशा देखने वालों की भी होती है। अच्छा, उसको वोट में कन्वर्ट कराना ये बहुत मुश्किल है। भारत भारत का जो है इस वक्त राष्ट्रप्रेम से भरा हुआ, देशभक्ति से भरा हुआ है, देशभक्ति से जो भरे हुए लोग हैं, जो राष्ट्र प्रेमी है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जो आपकी रैली संतुलित आदमी है, देखने के लिए आते किसी को कह रहा है, देखने के लिए ही आते हैं कि राहुल गांधी का बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी का बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी काफी जमा किया था, लेकिन चंचल यादव बोलूंगा, चलो हो गया, चंचल यादव बोलेंगे। चंचल भाई मुस्कुरा दिए, अब तो यहाँ पर लड़ेंगे आप, क्योंकि आपकी कांग्रेस से गठबंधन तो बन नहीं रहा है, लड़ाई पहले हो गई है और सिर्फ पटोगर पहले हो चुकी है। अब यहाँ पर मैटपुट होगा, आप क्या बोलते हैं, खुशी हुई आपको? देखिए, आप ही पूछे भारत माता कौन है, बात कह रही थी कि शमसी भाई की जय बोले नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय। नहीं नहीं, भारत माता की जय। चलिए इन्होंने बोल दिया, चलिए इन्होंने बोल दिया। मैं इस बात को हंस रहा था कि शमसी भाई ने दो शायरी पढ़ी थी, दोनों शायरी इनके अपोज चली गई। अच्छा, अपोज चली गई, दोनों शायरी जो है आज देखिए डिबेट हम लोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का बयान सुना, मैंने आपने सुनाया भी, मैंने देखा भी, उन्होंने जो बातें कही जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आम जनता ही पढ़ी लिखी लोग हैं, हर बात तो समझते हैं। अच्छा, अभी आप सोचिए डिबेट अगर हम बात करें, मैं गौरव जी एक बात का तो मैं बताऊंगा आपको कि अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी मेरा ख्याल मध्य प्रदेश में, आई थिंक शायद छत्तीसगढ़ में, उन्होंने मूर्खों का सरदार शब्द यूज किया। आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसी टाइप की भाषा, इसके ऊपर किसी टीवी ने डिबेट नहीं कराई। अच्छा अच्छा, किसी भी चैनल ने डिबेट नहीं कराई। अच्छा, जबकि बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा था। अच्छा, सोचिए, जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि आप सोचिए कम से कम कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, आप सारे के सारे जनप्रतिनिधियों को आपने मूर्ख बना दिया, उनके सरदार बना दिया राहुल गांधी जी को। क्या बात है, सोचिए कितना। और दूसरी बात, अभी देखिए प्रधानमंत्री जी एक तरीके से प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा होगा, आज राजस्थान में मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आप राजस्थान की सरकार बना दो बीजेपी की, आपको पेट्रोल 12 रुपए सस्ता मिलेगा। अच्छा, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, आप बताओ, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं? अच्छा, अच्छा। और आज आप सेंटर में बैठे हो, अधिकतर राज्यों में सरकारें आपकी हैं, तो आज ये 12 रुपए सस्ता क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, तो ये झांसेबाजी जुमलेबाजी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। और मैं सुन रहा था अभी जो हमारे शमसी भाई कह रहे थे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, देश प्रेम की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे को पूजने वाले लोग, गोडसे को समझिए कि अगरबत्ती धरा करके डेली पूजा करने वाले लोग, वो राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं हमें। अभी आए दिन बीजेपी के नेताओं को, राहुल गांधी को तो प्रेम सिखाना होता है, ये पहले आए दिन बीजेपी के लोगों को, कौन बोले समर्थन है आपका, ये बताइए हमको।
राहुल गांधी बयान पर समर्थन देते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, उन्होंने, मैंने आपको बता दिया, बहुत सही तरीके से बता दिया, और राहुल गांधी जी इतने मैच्योर नेता हैं, इस तरीके के बयान जो है, जो आप मतलब नैरेटिव सेट कर रहे हो आप लोग, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बोल नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपनी भावना नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के लोग चला रहा ना, मैं बता रहा हूँ, अभी आपने बताया कि आर भारत का मैं भी सुन रहा था, तो ये लोग तो समझिए आतंकवादी तक घोषित कर देते हैं। अच्छा अच्छा, आप ये जान लिए, अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता एक दिन एक हमारे कांग्रेस के साथी को आतंकवादी तक बना दिया। अच्छा अच्छा, अब मैं सुन रहा था एक दिन जी आपके चैनल पे, मेरी डिबेट थी, तो आप ही की डिबेट थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जो भी मोदी जी खिलाफ बोल देगा वो समझिए पाकिस्तान चला जाए, आतंकवादी घोषित कर देंगे, ये सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, ये सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं और आतंकवादी घोषित कर देते हैं। आपको याद होगा अभी जयप्रकाश सर ने बोला था कि दीनदयाल जी की बात कर रहे थे, दीनदयाल जी कहते थे एकात्म मानववाद की बात करते थे वो, कि जितने मानव जितने इंसान हैं सबकी आत्मा जो है सबकी है, सब लोग एक आत्मा के लोग हैं और सब में समानता, भाई सबके पास आत्मा है, सब में समानता की बात करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय अमित शाह और हमारे मोदी जी और अमित शाह जी की जो भाजपा है, आज आप बताओ शमसी भाई को मानते हैं ये क्या? कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जो है ऊंच नीच भेदभाव, आज पूरे देश को बांट के रख दिया है। अच्छा, आप सोचिए इसी हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर के अंदर घटना घटती है, उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोलना चाहते, मुंह में उनके दही जम जाते हैं। अच्छा, और आप सोचिए, और पूरे देश में मतलब जिस चीज को 2 महीने बाद वो वीडियो वायरल हुई, और वो भी शायद ये भी सुनने में आया कि बाहर की मीडिया ने कहीं दिखाया तब जाकर के वीडियो, सोशल मीडिया क्यों आया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंचा नहीं, आप घूम रहे मीडिया पे आ जाते हैं भाई। अरे मैंने बताया ना कि एक भी चैनल आप बता दो जो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया बयान मूर्खों का सरदार। आप बताओ प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हो, आपको गली मोहल्ले के नेता नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एकदम बोलते बोलते एकदम न जाने क्या क्या बोल जाएंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, अरे बहुत सारे बयान है, अगर आप लिस्ट लेके बैठ जाओगे गौरव जी आप 2-3 घंटे खत्म हो जाएंगे आप। इतने विवादित बयान प्रधानमंत्री, और अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आप नहीं पाओगे जो इतनी छोटी छोटी बातें, इतने निचले स्तर की बातें, सोचिए आप कभी नहीं पाओगे। आप मुझे बता दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आपको याद होगा लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या बोला था प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के? मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे माफ करने की बात तो प्रधानमंत्री महात्मा जी को, अरे महात्मा गांधी जी के ऊपर जो है सिंबॉलिक गोली मारी जाती है, आप बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई करने का उसको मेहमान नहीं करते हो आप? चलिए ठीक है, देश प्रेम की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे 2 मासूम से सवाल लीजिए जी, मासूम इसलिए क्योंकि मैं मासूमी सवाल करता हूँ। आपने तमाम बातें कही बयानों की, आपके एक नेता है वो लगातार धर्म को लेकर कटाक्ष करते रहते हैं, कभी रामचरितमानस पे बोलते हैं, कभी महालक्ष्मी पूजा पे बोलते हैं, कभी दिवाली पे बोलते हैं, जरूरत क्या है? किसको समझाना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हैं? ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात को, अभी तक आपके सपा प्रमुख का कोई बयान नहीं आया है, और पहले जो बयान दिए हैं उस पर यही कहा जाता रहा है कि व्यक्तिगत बयान है, पहला सवाल। इसके अलावा आपके नेता रहे हैं तो उन्होंने विधानसभा उत्तर प्रदेश में जो शराब उसके ब्रांडों से भगवान की तुलना की थी, आपको याद है? आपको वो भी याद हो, भाजपा में, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ जो बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले चौकीदार चोर है, इसके पहले लादेन, जो आप तमाम में बयान दिखा रहे हैं, इसके अलावा तमाम तरह की बयानबाजी है। अभी हाल में ही आपका कांग्रेस सिर पटहुअल हो रहा था, उसमें भी बयान आए, चिरकुट भी बोला गया, अखिलेश बखलेश भी बोला गया, तो बयानों की अगर बात कहेंगे तो वो नैतिकता तो पार्टियां खो चुकी है, तो ये बयान की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बयान की बात होगी तो बहुत सारे बयानों की फेहरिस्त मुझे जुबा पर याद है, कहो तो मैं सबको गिराना शुरू कर दूँ, आप लोग तकलीफ होगी। पर मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे है कि यहाँ पर जो राहुल गांधी बोले हैं उस पर आपका समर्थन है कि विरोध है? बस एक जवाब दीजिए, फिर मैं प्रवक्ता हमारी पार्टी को लेता हूँ। देखिए आपने भी वही सवाल किया, शमसी भाई ने सवाल को मिस कर गया था, मुझे याद भी आ गया, ये बाहरी सब की बात कर रहे थे, और शमसी भाई ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का राज, पार्टी उठा के देख लो आप। अच्छा, 2-3-4-5 नेताओं को बड़े छोटे बात, तो सारे नेता बाहरी हैं, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, बड़े बड़े नेता, अब उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजेश पाठक से लेकर बड़े बड़े नेता सारे अधिकतर बाहरी। चलिए हो गया, और सुनिए, और आपने जो सवाल पूछा सुनिए, नहीं देखिए मैंने बताया कि भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं और हमारा विश्वास है और भावनात्मक लगाव, सुनिए, और मैंने आपको बताया यहाँ पे सवाल जो था आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊंच नीच का बंटवारा कर रहे हैं, जो आप सोचिए फिर आप इसके सब चले गए, विरोध है समर्थन है ये बताइए। अरे
मैं बताता रहा हूँ भारत माता की तो आप समर्थन कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी की शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं, यानी समर्थन कर रहे हैं, ठीक है? नहीं बात सुनिए जी, समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। अभी अभी जो बात जब आप उनकी व्याख्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। संजय भाई इसको स्वीकार करिए, देखिए गौरव जी या विरोध करिए, सीधी बात गौरव भाई आप कह रहे हैं जी के बाहर वाले भारत माता की जय भी लगा रहे हैं और राहुल गांधी जी का समर्थन भी कर रहे हैं, हाँ। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, चंचल जी को नहीं तो क्या राहुल गांधी ने भारत माता का विरोध किया है? नहीं कह सकते आप, मुझे बता दो क्या भारत माता जी का विरोध किया है? और आप शमसी भाई आप बताओगे जो लोग जो है आजादी के बाद 50 सालों तक झंडा तिरंगा नहीं फहराया, कलमा में इसकी इजाजत नहीं है। चलिए हो गया, चलिए सुन लीजिए समझी भाई, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया वो मादरे वतन बोलेगा। चलिए और आप जिस तरह से बार बार भारत माता बोल रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं है कि आप कह दीजिए कि नहीं मादरे वतन है, क्योंकि आपकी जबान काट ली गई, आप बैठ के भाषण दे रहे हैं, आप नदवा देवबंद से बड़े उलेमा नहीं है, पूरे देश की तकलीफ पड़ी। हम नदवा का फतवा नहीं मानते, अरे हाँ वो आपसे बुलवाया जा रहा है, आपकी हैसियत ही नहीं है कुछ अल्पसंख्यकों में, वो तो किसी की संतान है, जगह जगह मनसबदार बनाई गई, आप किसको नहीं मानते, आप किसको नहीं मानते, आप कौन है? नहीं शमसी भाई ये बता दो, इस्लाम इस्लाम की रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडरशिप नदवा देवबंद उलेमा नहीं करेंगे तो शमसी करेंगे? नहीं नहीं शमसी भाई एक बात, नदवा हमारा ठेकेदार है, नदवा ठेकेदार है, आप आपकी हैसियत ही नहीं है, मामले चले हो गया, वो वक्त चला गया जब मुसलमानों को, चले हो गया, मैं आम आदमी पार्टी में, मुसलमान फिरका परस्तों के मनसबदार हो जाए। चले शमसी भाई, नहीं शमसी भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या डीजल पेट्रोल के दाम प्रधानमंत्री से हो जाएंगे? राहुल झूठ बोल रहे हैं ना, नहीं राहुल झूठ बोल रहे हैं ना, ये बात आप साफ करिए, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं मुझे डिबेट खराब करके प्लीज, बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए, बोलिए बारी बारी बोलिए, चले हो गया, अपनी चर्चा बने रखिए प्लीज, आप डिबेट खराब मत करिए, समझी आजाद प्लीज, हो गया, आगे टर्न पे बोलिएगा, चलो हो गया, रमन सिंह आजाद बोलेंगे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। रमन जी मुद्दा आपके सामने सुन लिया है, मेरे ख्याल से लगभग 30 मिनट की चर्चा हो चुकी है, तो आपके सामने है और मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आपकी क्या राय है, वो कहाँ तक ये बयानबाजी जरूरी है, और जो व्याख्या है, व्याख्या बाद में पर यहाँ शब्दावली का भी ध्यान रखना पड़ेगा बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं को, बड़े नाम को। जी जी गौरव जी जी धन्यवाद अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए। जी गौरव जी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बात को बहुत अच्छे से समझ रही है जी, कि इन पांचों राज्यों में जी उसकी करारी हार हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से इस बयान को भारत माता हिंदू मुस्लिम इस दिशा में मोड़ना चाहती है, ताकि जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाया जा सके। अच्छा, जो राहुल गांधी जी का बयान है, अगर उस बयान को पूरा सुने, हम उन्होंने एक शब्द बोला कि भारत माता कौन है, लेकिन उन्होंने बाद में बताया भी कि ये देश है, ये कोई बाउंड्री नहीं है गौरव जी, जी देश इस देश की जनता से मिलकर बना, भारत माता जी, इस देश का प्रत्येक नागरिक उसका हिस्सा है, इस भारत माता का, जो हम भारत माता की जय बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अपने देश में भारत में किसी को भी भारत माता की जय बोलने से कोई कभी आपत्ति रही है। जी, जी। और देशभक्त की बात भी कौन सी पार्टी कर रही है, सबसे ज्यादा सवाल इस पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। अच्छा, ये वो पार्टी जिसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, ये वो पार्टी जब पठानकोट पर एयरबेस पर हमला हुआ तो जिसे हम अपनी दुश्मन देश पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI उसको बुला के उसकी जांच करवाती है, ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के नाम पर, ये देश में पहली बार हुआ था कि शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि क्या आपका वोट पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर हो सकता है क्या, ये शब्द थे उनके। सोचिए वो पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है जिसने शहीदों के नाम पर वोट मांगे, वो पार्टी देशभक्त की बात कर रही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रक्षा सौदे पर रिश्वत लेते पकड़े गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से देशभक्ति की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद है जी। और हमें लगता है कि ये केवल चुनाव को मुद्दों से भटकाने की बात है। राहुल गांधी जी जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे,
आज पूरे देश की मांग है, आम आदमी पार्टी चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी भी जातिगत जनगणना की पूरी तरह से समर्थन करती है। पंजाब में कब करा रहे भाई जी? पंजाब में कब करा रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब में भी होगी। और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार अगर करवाए इसको राज्यों के स्तर पर, चूंकि जात जो जनगणना का विषय है वो केंद्र का विषय है, वो राज्यों का विषय नहीं है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट भी दिया कि राज्यों का विषय बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो जनगणना 2011 के बाद आज 2023 है, 2021 में जो जनगणना हो जानी चाहिए थी वो जनगणना भी केंद्र सरकार ने रोक कर रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से तो जो भारत का संघीय ढांचा है, अगर सभी राज्य केंद्र के विषयों पर भी अपनी अपनी राय देने लगेंगे तो जो संघीय ढांचा है तो जरूर मुताबिक राहुल गांधी ने जो बोला है वो सही बोला है? नहीं, सही बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है कि उस पर विवाद किया जाए। जो बोल रहा है वो पूछ रहा है वो कौन है, तो ये आपत्तिजनक तो होना चाहिए भाई। नहीं नहीं गौरव जी, उन्होंने जब पूरा बयान हम सुने तो उन्होंने उसी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द है, पहली लाइन है, जो हम भारत के लोग, उन्होंने उसी को परिभाषित किया है। जब उन्होंने पूछा कि भारत माता कौन है, भारत माता हम सब लोग हैं। बिल्कुल, अगर आप पूरा बयान सुने भारत माता कौन है, तो उन्होंने उस लाइन को आगे बढ़ाया कि भारत माता मतलब हम सब लोग हैं, इसमें जिसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, आदिवासी भी हैं, ठीक है रमन भाई, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी, प्रत्येक नागरिक, ठीक है रमन जी, वो सब भारत माता है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल मैं रालोट के फॉरवर्ड प्रवक्ता आशीष तिवारी की बात लूंगा आखिरी में। आशीष भाई जी, समय समय तमाम मुद्दों पर आप अपनी विभाग राय रखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं शमसी भाई को कहूंगा कि बिना बात किसी चीज का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। और जहां फूलों से काम चल जाए वहां कंकड़ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इन्होंने शायरी से बोला था तो शायरी से जवाब देना बहुत जरूरी था। जी, मैं आपको बताऊं, देखिए राहुल गांधी जी को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अभी जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, मैं कहूँ कि प्रभु श्री राम कौन है, अच्छा, और उसके बाद मैं कहूँ प्रभु श्री राम हमारी आत्मा है, अच्छा, प्रभु श्री राम हमारा सर्वस्व है, प्रभु अच्छा, श्री राम यहाँ के जन जन में बसे हुए हैं, अच्छा अच्छा, तो अभी क्या मीडिया मेरा जो पहला मैंने बोला कि प्रभु श्री राम कौन है, अच्छा, इतना कट करके और उसको डिबेट में चला दे? अच्छा, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तकलीफ वाली डिबेट से राहुल नहीं, राहुल गांधी जी ने, मैं उस बयान की बात कर रहा हूँ, बयान सुना है मैंने, जी जी, मैं उस बयान की बात नहीं सुनाया, मैं उस बयान की बात कर रहा हूँ कि उस बयान में राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये भारत माता कौन है, क्योंकि ये पूछने का अधिकार भी सिर्फ इनको है, क्योंकि गांधी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने भारत में यात्रा 3,000-4,000 किलोमीटर की पैदल करी है, अच्छा, तो वो करने वाले सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। अच्छा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के हम नेता यहाँ बैठे हुए हैं, बता दें हेलीकॉप्टरों और गाड़ियों से अगर उतर के कहीं चलते हो ये लोग, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी गए, एक एक व्यक्ति से, एक एक जिले में, एक एक प्रदेश में वो घूमे हैं, तो उनका ये प्रश्न जायज है। वो पूछना चाहते हैं कि जिस भारत की संकल्पना करी गई थी क्या ये भारत वही है, अच्छा अच्छा, या जिसकी यहां पर बात हो रही है, तो उनका एक ये प्रश्न है। और इस प्रश्न को गुमराह करने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, जो इन चीजों में मास्टर, इनको डिग्री मतलब मास्टरेट, अच्छा, बहुत पीएचडी बोल दीजिए, पीएचडी धारक है ये लोग, पीएचडी है ये, तो ये इतना इस ये बातों को इतना घुमाना जानते हैं, तो उन्होंने उनके बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया है, उसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ ना कि नहीं, जल्दी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने 40 मिनट झेला है, तो मैं बोलूंगा जरूर, जल्दी तो नहीं हो पाएगा गौरव, नहीं जल्दी नहीं हो पाएगा, पूरी बात मैं रखूंगा, बात पूरी रखूंगा, जल्दी जायज बात है। मुझे आप ये बताइए, ये बात यहाँ पर इन्होंने भारत माता की कौन है,
ये भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे तो है नहीं। अच्छा मुद्दे नहीं है विकास के बाद तो बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी बोले नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी जी ने तो पूछा, इन्हें कहा था क्या राहुल गांधी जी ने तो पूछा, वो जानना चाह रहे। राहुल गांधी जी कोई ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं कौन है भारत माता। अच्छा अच्छा राहुल गांधी जी जान रहे, लेकिन वो यहाँ जो जनता बैठी हुई थी जिसको वो संबोधित कर रहे थे वो जानना चाह रहे थे कि वो जनता उनको बताए कि वो भारत माता किसको मानते हैं। क्या बात है? जो आज की परिस्थितियां हैं, जो गरीबी बढ़ गई है, जो बेरोजगारी बढ़ गई है, टमाटर फिर 80 रुपया किलो चला गया, स्मृति ईरानी जो वहां पर मंच पे राजस्थान में मोदी की गारंटी लेकर गई और बोली कि अगर मोदी की गारंटी लेकर आई हूं मैं, अगर यहां पर जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो सिलेंडर 450 रुपए में मैं दिलाऊंगी आपको, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा। ये आप कितने जुमलेबाज लोग हैं ये। अच्छा। जहां जीत गए हैं, जहां इनकी सरकार है वहां तो ये रमन सर आपको मिलेगा समय जी, जहां इनकी सरकार है गौरव भाई जी, वहां पे ये कोई गारंटी नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा। वहां पर ना इनको गरीबी दिख रही है, ना बेबसी लोगों की दिख रही है, ना बेरोजगारी दिख रही है। जहां पर इनको सत्ता लोलुप है, ये लोग सत्ता के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं। और अच्छी खासी देखिए बहुत बढ़िया चीज बोला, मैं समर्थन में हूं कि उनके इस बयान के, लेकिन वो बयान बशर्ते पूरा हो, खाली ये नहीं कि भारत माता कौन है के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये एक पूछने का तरीका होता है, उन्होंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, शमशी भाई हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो शमशी भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, शमशी भाई देखिए बेकार की बातों में उलझाना छोड़कर जो मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जिन पर माननीय राहुल गांधी जी सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, उनको उन बातों को समाज में आने दीजिए, फर्जी की बातों को लाकर ना माहौल खराब करिए देश का और ना व्यक्ति का आप भविष्य खराब करिए, ना भारत देश का। बड़ी सीधी बात है कि नाराज भी आप हो गए थे, मेरा छोटा सवाल ले लीजिए जी। आपने कहा सत्ता के लोलुप ये लोग, हाँ समाज सेवा के लिए कौन सी पार्टी आगे आई बता दीजिए। सारी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन सारा पार्टी समाज सेवा के लिए, बिल्कुल समाज सेवा के लिए है, बताइए कौन नहीं है। अच्छा सत्ता, आप बता दीजिए कौन पार्टी समाज सेवा के लिए नहीं, कौन सत्ता लोलुप है आप बता दीजिए। आप डिफाइन करिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, आप डिफाइन करिए सत्ता लोलुप कौन है और मैं बता रहा हूँ कौन नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। ये वो पार्टी है जिसके ऊपर पुलवामा घटना से लेकर जाने कितनी घटनाओं के आरोप लगे हुए हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देश के सैनिकों को भी जो कांड हुआ है उसको भी करने में ये पीछे नहीं बाकी सब देश सेवा के लिए, बिल्कुल देश सेवा के लिए, और देश सेवा कर रहे हैं और कर रहेंगे। चलो ठीक है, समझिए समझिए यार, बड़ा आरोप आप पे भी, सत्ता लोलुप पार्टी है आप, यहाँ प्रवक्ता राहुल बोले और बाकी सब पार्टियां जनसेवा और देश सेवा के लिए आई हुई है, और इसके अलावा आप जवाब आपको देना, आप स्वतंत्र है जवाब देने के, बाकी जयप्रकाश पांडे लूंगा जी, समझिए जवाब दीजिए। दो लाइनें और सुन लीजिए, इसी पर आज शेर व शायरी होती रहे। शक्ति तन से मन से धन से अपना संकल्प यही है, जितना हो पाएगा भारत माता का कर्ज चुकाएंगे। अच्छा ठीक है, राइमिंग नहीं थी। और मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से भारत माता का नारा लगाऊंगा, देखता हूँ कि कौन आदमी इस पर जय कहता है और कौन भारत माता की, भारत माता की नारे लग गए, भारत माता की, मुंह से नहीं निकल रहा, ये हिला रहे हो, नारा ही निकल रहा, ये हिला रहे हो खाली, चलिए चलिए गोडसे मुर्दाबाद, गांधी के देश में ये भी नारा लगाइए, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, भारत माता की जय, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद। चलिए हो गया, बोलिए बोलिए बस, चलिए बोलने दीजिएगा भाई, वो नहीं बोल पाएंगे भाई, पता जाएगा भाजपा गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय, भारत माता का नारा कांग्रेस के मंच से लगा था, भाजपा ने नहीं लगाया, भारत माता का नारा सर्च कर लीजिए, कांग्रेस के मंच से लगा था, भारत माता की जय, लेकिन भारत माता, आप समझदार है, फिर वही हमको कहना पड़ेगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, जब सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, बोले, तो सलीके से कोई बात है तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, बगैर सलीके से आप कहेंगे तो बोले बोले समय का बोले समय का मैं बोलिए डिबेट बताइए बोले बोले समझी भाई पूरी करिए बोलिए समझी भाई अपनी बात पूरी करिए समझिए यार ये पता चला कि कम से कम
अब जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग जो प्रेरित हो रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग झुकाव अपना बना रहे हैं। अच्छा। और जो एक भारतीय जनता पार्टी ने जो एक संचालित किया लोगों को, युवाओं को, देशभक्तों को, राष्ट्रीयता से जोड़ा है, देश प्रेम से जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा क्या मजाक की बातें करते हो? अरे इस देश में स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी 1847 से। फालतू की तकरीर मत करो, 17 बेत मारी गई थी चंद्रशेखर आजाद को, 17 बेत भारत माता की जय बोले थे, और वो भाजपा ने सिखाया था। पागलपन की बात कर रहे हो, एक एक करके बोलने दे। देखो सुनो शमशी भाई, फालतू की बात मत करो, भारत माता का ठेका भाजपा लेगी? आपको मना किया, भारत में सारे जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो शहीद लोग हैं, वो भारत माता की नहीं जवाब दीजिए भाई। भाजपा जिसका जन्म हुआ अभी जुमे 4 दिन हुआ है, तुम कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीयता सिखाई है? लीजिए यही सिर की, तुम क्या बोल रहे हो यार? बोल दीजिएगा, बोल लिए, बोल लिए, जवाब ले, जवाब लेता हूं। इस तरह फालतू चीज नहीं सुनेंगे। जवाब भाई सुन लीजिए, बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। भाजपा ने सिखाया था, भारत राष्ट्र पैदा हो गया 2014 में, 5000 वर्ष का देश है, लोगों को संचारित किया है। हाँ। और आपने देखा कि जो तिरंगा यात्रा पूरे हिंदुस्तान में, अटल जी नहीं किए थे संचालित, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं किए थे, उल्हड़कर नहीं किए थे, देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तिरंगा पहले आरएसएस मुख्यालय फैला लेते, कैसी क्रांति बोलिए आप, बोल लीजिए भैया, आप लोग डिबेट खराब मत करते, उनको आप लोग मौका दूंगा, अगर आप ऐसे ही करोगे तो कोई नहीं बोल पाएगा। बोलिए, समय बोलिए, समझे, अपनी बात पूरी करिए, सबको मौका दूंगा 2 मिनट का, बोलिए बोलिए, समझिए पूरी बात करिए। तो देश में जो एक बिखराव की स्थिति थी, जो कहीं पर मैच भी अगर जीत जाती थी पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता था, झंडा लहरा दिया जाता था। अच्छा, लोग मिठाइयां बांटने लगते थे। हाँ, कभी खालिस्तान अलग करो, कभी पंजाब अलग करो, सब नारे जो लगा करते थे। छोटे छोटे गुटों में लोग बटे हुए थे। हाँ, जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। आज पूरा का पूरा संगठित हिंदुस्तान है, और जिस पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता हासिल करना चाहते थे अल्पसंख्यकों को, पर आज वो अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से जाग चुका है। अच्छा, जिसकी वजह से ये सत्ता से बाहर हो चुके हैं। हाँ, और इनको सबसे बड़ी खींच ये बता रहे थे कि नदवा का फतवा, देवबंद का फतवा। हाँ, तो अब फतवा जो है किसी मुसलमान के ऊपर कारगर नहीं है, फतवे से बड़ा देशभक्ति है, और जिसके अंदर देशभक्ति नहीं वो मुसलमान भी नहीं, क्योंकि ईमान की निशानी देशभक्ति है, और अगर देशभक्ति नहीं, राष्ट्र प्रेम नहीं है, तो हमारे यहाँ उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। फतवे लाग लगाते हुए फतवा लगाने वालों को खरीदा जाता है, फतवा लगाने वालों को बेचा जाता है। सुन लीजिए, कहीं पर भी भारत माता का नारा लगाना ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने मना किया हो, एकदम साफ सुन लीजिए। और आपको नहीं पता होगी तो आप जाके किताब पढ़ लीजिए, किसी अच्छे मौलवी से, उलमा से आप जाके पता कर लीजिए। ये जो है नहीं, आप पढ़ लीजिए, आप भारत माता के नारे न लगाइए, हम लगाएंगे, हम सीना ठोक कर लगाएंगे। लेकिन आपको बोलने की हैसियत ही नहीं, आप घोड़ से मुर्दाबाद नहीं बोल सकते, आप मादरे वतन नहीं बोल सकते। सीना ठोक कर क्यों उसके बारे में बोल के दिखाओ कि आप मुर्दाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं बोल रहा हूँ आप ये कह रहे हैं मादरे वतन बोलने वाले गद्दार हैं, माध्यम से बोल रहा हूँ, लाखों लोग। आप क्या कह रहे हैं सुनिए सबसे भाई, आप कह रहे हैं मादरे वतन बोलने वाले नदवा देवबंद वाले गद्दार हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है, और भारत माता की जय बोलने वाला शमशी ही राष्ट्रभक्त है, भारत मुसलमान गद्दार है। हमने कहीं इनको गद्दार नहीं कहा, हमने कहीं गद्दार नहीं कहा, मैं कह तो रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि मादरे वतन भी उतना ही सच है, हम भारत माता, मादरे वतन भी उतना ही सच है। भारत माता और मादरे वतन एक ही चीज है, आपको ये नहीं पता है? मैं तो आपको समझता हूँ कि आप पढ़े लिखे कायदे के आदमी है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। लाइन पे क्या गए ना, भारत माता बोलना बना है, मादरे वतन बोलना बना है, लेकिन फतवा नदवा हो चाहे देवबंद। समझिए, अगर आपको सत्ता लोग पार्टी बोला गया है, जवाब दीजिए, मैं बाकी मैं बोलूंगा। इसके साथ समझौता ये करें, भारत माता के टुकड़े करने वाली कश्मीर किसके साथ सरकार चला रहे थे? गौरव जी क्या कहा है? मेरे साथ कौन सा आपको आशीष तिवारी बोले थे प्रवक्ता राठौर की, आप लोलू पार्टी सत्ता की जब मैच सेवा के लिए, तो आपने अभी ये बयान दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान सत्ता में हम हैं, इनको ये पता, आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बता रहे हैं? जो पाकिस्तान के यहाँ नारे लगाते थे, आपने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ये सब खत्म हो गया। हाँ, तो वो नारे कौन लगाता था वो जरा क्लियर कर दीजिए।
किसकी तरफ इशारा आपको पता नहीं कौन लगाता था? कौन लगाता था? किसने जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे मुसलमान, जो मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दिया कर बहुत आपत्तिजनक बयान है। हम पाकिस्तानी समर्थक नहीं है इसलिए अब नारा नहीं। इस तरह का बयान देश की मुसलमानों को ये बोल रहे की चले हो गया क्या क्या बोल रहे हैं आप? विरोध करने पे पाकिस्तानी बनाना मुसलमानों को जरूरी है लीजिए यार यही बात कांग्रेस कांग्रेस के वोटर है यार आप कहना है कि आपका कहना ये जो पाकिस्तान का नारा लगाते थे जीतने पर वो मुसलमान के लिए आपने शब्दावली का उपयोग किया यहाँ पर गद्दार है अच्छा जी बहुत आपत्तिजनक है। हिंदुस्तान में जब हमारा वो पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है हाँ, तो हाँ, हम उसका नारा कैसे लगा सकते हैं कैसे उसको जिंदाबाद हम कह सकते हैं? उसी पाकिस्तान के घर में बिना बताए हमारा पड़ोसी बुलाए चले जाते हैं कि हम कैसे जिंदाबाद का नारा भाजपा ही लगाते हैं? तो क्या हो गया नरेंद्र मोदी जी की नीति हमारी अटल जी की नीति रही है इजराइल जिंदाबाद का नारा भाजपा ही लगाते हैं तो राहुल गांधी तो कह देते हैं कि चले हो गया समय कम है क्यों नहीं उतर रहे हैं डिबेट खराब हो जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी रमन सिंह बोलेंगे रमन सिंह बोले रमन भाई फाइनल कमेंट दीजिए जी बोलिए गौरव जी, जी ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो जो बड़ा आपत्तिजनक बयान है शमसी जी का मैं तो चाहूंगा कि ये माफी मांगे इस बयान पर लेकिन पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं जिनके यहाँ शमसी जी आपके प्रधानमंत्री बिना बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर केक खाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ जी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बस लेकर जाते हैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ जी को बुला के बिरयानी खिलाते हैं आप उस पाकिस्तान का सहारा लेकर देश के मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछता हूं जो अगर भाजपा को वोट नहीं देगा यही जवाब देंगे जल्दी बोलिए। देखिए बीजेपी के लोग जो है हाँ। केवल बांटने की राजनीति करते अच्छा, हैं हिंदू मुसलमान समसान रमजान अजान अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी चले गए बिरयानी खाए पाकिस्तान आपको याद होगा आप सोचिए आडवाणी जी चले गए जिन्ना जी के मदार पे चद्दर चढ़ाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये पाकिस्तान से मिली भगत करके और ये इन्हीं की साजिश होती थी अच्छा। बताऊंगा अभी आपने देखा कई सारे अभी सुन लीजिए अरे भाई सुन तो लो सुन लो शमसी भाई अभी आप एक चीज बताइए अभी कितने सारे आईएसआई के जो एजेंट जो है इनकी आईटी सेल में मिले थे आपने देखा होगा कई सारे नाम आपको बता दूंगा ध्रुव सक्सेना थे भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है बीजेपी के लोग जो है पाकिस्तान से मिली भगत के साथ में और फट से पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं ये लोग अभी इनके इनके एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह फटाफट पाकिस्तान भेजते रहते हैं तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है केवल जुमलेबाजी है। चले हो गया आप सभी का चर्चा में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण पर चर्चा यहाँ पर बीच बीच में बड़ी डिस्टर्ब हुई क्योंकि सबने बोलना शुरू कर दिया सबने अपनी बात कही बिल्कुल सही बात भी है जब बात या चर्चा होती है तो जब तकलीफ होती है तो यहाँ पर विरोध तुरंत सामने आता विरोध के लिए कोई इंतजार नहीं करता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी के बयान पर जो चर्चा शुरू हुई है वो चर्चा कहाँ तक जाने वाली है और चर्चा की व्याख्या को कौन सी पार्टी किस रूप में लेती है ये भी अहम होगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी पार्टियाँ हैं उन्होंने राहुल गांधी के बयान को व्याख्या के साथ लिया है उन्होंने कहा है कि मात्र बयान नहीं बल्कि इसमें व्याख्या भी थी। अब व्याख्या जिसको समझना चाहिए वो समझेगा जिसको नहीं समझना चाहिए वो नहीं समझेगा। व्याख्या हर चीज़ में होती है पर बयान की अपनी एक सीमा होती है। बयान के बीच में बयान के साथ में अगर थोड़ी गंभीरता भी रखी जाएगी तो शायद यहाँ पर बेहतर परिवर्तन की भी उम्मीद रहती है। आने वाले समय में चूंकि चुनाव है इस तरह के तमाम तरह के बयान आते रहेंगे पर मैं सभी पार्टियों से एक ही उम्मीद करूँगा और एक ही निवेदन करूँगा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा संस्कार हमारी नैतिकता और हमारी सभ्यता हमको बेहतर बनाती है और यहाँ बनाने के लिए चीज़ों को बेहतर करिए ना कि खराब। अगर खराब कर रहे हैं तो खराब को खराब ही करते रहिए क्योंकि उससे उससे लाभ नहीं मिलने वाला है और वास्तव में अगर अच्छे की पहल कर रहे हैं तो अच्छा करते रहिए। अच्छाई जरूरी है और अच्छाई के साथ जिंदगी जरूरी है और साथ साथ नीति जरूरी है रणनीति जरूरी है चुनाव जरूरी है पर जनता जनार्दन का ख्याल भी जरूरी है। ख्याल रखिए चलते रहिए आगे बढ़िए और संघर्ष करते रहिए बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार।